हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रणाम। राजे राजे कैसे आप सभी? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग में। दोस्तों के घर से वक्त है और मैं जस्ट आया हूँ अभी घर पे। आज काफ़ी लेट हो गया ज्योति, है ना? 9:40 हो चुका है। फिर दोबारा गया था ना, दो सामान छूट गया था। फर्स्ट टाइम आया साइकिल से, तो ये सारा सामान लेके आया घर, मोमोज का बर्तन और घर पे यूज करने के लिए कुछ कुछ सामान। लेकिन दो सामान भूल गए थे हमको, फिर दोबारा जाना था बाइक से गए थे। और अभी ज्योति ना, हमारे घर के बगल में 4-5 छोटे छोटे पप्पी हैं, कुत्ते डॉगी। तो उनको ज्योति जा रही है दूध रोटी खिलाने। रोटी ना आई का लेके आए? हाउ मटियाला नहीं थे। इसमें तो सूख जाएगा, इसको पहले पानी से धो। सूख जाए? पर पानी से धो तो ना। यार इसी में दो ना, इसको थोड़ा सा पानी से धो दो। हाँ दे दो उसमें। देखिए मिल भी गया उन लोगों के ही। एक ठो ले लो। चलिए चलते हैं, छोटे छोटे डॉगी हैं उनको खिलाते हैं दूध दे। थोड़ा सा देना पहले, देख लो पीता है लेकिन नहीं पीता। चलिए ज्योति लेके आती है, तब तक हम आप सभी को दिखाते हैं हम और परी। थोड़ा सा डाल देना। देखिए कितना छोटा छोटा है ना। सुनो मत। कैसे चल रहा है पापा? काटेंगे नहीं ना? नहीं बेटा, नहीं काटेंगे। नहीं कुछ करेगा। ठीक यहाँ पे है, इधर है तो यहाँ पे इतना छोटा छोटा है, लोग दिखती है नहीं रहा है। ऐसे करो ना। जा वो पैर रख दे। ये खाता ज्योति। जाओ एकदम शांति से बैठा जा। खा रहा है लो, देखो ना कैसे खा रहा है लो। शांति से बैठा जा। आ धीरे बोला। यानी दूध भात दूध भात खाएगा लोग। तिनका माई कहाँ से दूध भात ले आके दे? चल इधर आ। हल से वो खाइए नहीं रहा है। सा और चावल बचा हुआ है, इसको भी ले चलते हैं, डाल देते हैं। हम लोग सोचे कि पता नहीं खाएगा लोग नहीं खाएगा, इसीलिए आधा ही डाले थे, आधा बच गया था। हाँ यार टेढ़ा हो गया है, बंद करते हैं। बहुत ज्यादा कीड़ा, इतना ज्यादा महकता है लोग ना। देख ये सब छोटका कीड़वा ना, बहुत ही ज्यादा, अगर खाना में पड़ जाए ना
पूरा खाना महंगा लगता है। खा लिए बेटा सब? सब खा गए? वो बीमार है बेटा लग रहा है। इलाज कौन करेगा? मम्मी भी तो नहीं इलाज करेगा। जाओ अच्छे से पैर हाथ धो, वहाँ धो लो, कल पे धो लो बेटा, कल पे धो लो, मामा चला रही है। दोस्तों फाइनली अभी खाना पीना खा लिया हम लोग, और डॉगी लोगों को खिला के बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही सुकून मिला। और अभी हम किचन में हैं, चलिए फैन को ऑफ कर देते हैं। खाना खा रहे थे लोग ना, चलाए थे, फैन ऑफ कर दिए, दरवाजा बंद कर देते हैं, बत्ती बंद कर दें। दोस्तों अपनी धनों को धुलवाए हैं, तो इसको अब चादर उधर ओढ़ा दिए, अच्छे से ढक दिए, चलिए धनो भी अब सो जाएगी। हम लोग भी चलते हैं सोने। हैं चलते हैं, कपड़ा चेंज कर लेते हैं। ये ड्यूटी का कपड़ा हो गया, जो पहन के जाते हैं वो ड्यूटी का हो गया, तो उसको खोल के रात में दूसरे कपड़ा पहन के सोते हैं। चलिए चलते हैं सोने। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे राधे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अभी सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, ज्योति परी को तैयार करवा रही है स्कूल के लिए। बेटा जी राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। आपको इनविटेशन देना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। ये अभी व्यस्त है क्योंकि टाइम हो गया है बाबू के स्कूल का, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही है। और मुझे दे दी है यहाँ गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह का। चाय पीना था, पराठा के साथ खाना है। हाँ तो चलिए पहले बाबू को स्कूल छोड़ के आएंगे। ज्योति बोली कि चाय पी लीजिए, फिर दोबारा से हम बना देंगे। आइए दोस्तों आप लोग भी पी लीजिए सुबह का गर्मा गर्म चाय। सुबह 10 सुबह का, और हम लोग जैसे कल रात में झाड़ू लेके आए थे ना घर में, आज साफ सफाई करना था हम लोगों को, क्योंकि दुर्गा पूजा नवरात्र शुरू होने वाला है। तो उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि 3 तारीख को दशहरा शुरू होगा और आज है 1 तारीख, तो आज साफ सफाई कर लेते हैं। तो अभी साफ सफाई शुरू हो चुका है। ये देखिए ज्योति चढ़ गई है छाजे पे, चढ़ के सबसे पहले पंखे की सफाई चल रही है यहाँ पे। हर एक साल कॉलोनीसन के अब के करता नहीं सर। दशहरा में सफाई हमनी घर पता बस इगुआ छुआ सब साफ रहा, मतलब जैसे घर के आगे पीछे घास उस गांव में तो जमी ही जाए, सब साफ हो खेला खूब बढ़िया से माता जी के आगमन में। आज हम लोग पूरा दिन नहीं, मतलब दोनों मिलके 1 घंटा लगेगा ना ज्योति, 1 घंटे में पूरा घर का साफ सफाई कर देंगे, जितना भी झोल झाल लगा हुआ है। दीपावली में उठा ना, चमक उठा, चमक बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, मतलब जब से आया तब से फर्स्ट टाइम। ए मारेंगे नु, बीच में की थी क्या तब का? हम कहते जब से आए हैं तब से आई नहीं, तो अब साफ कोई नहीं, फिर एक भी बीच में साफ कोई जल नहीं रवनी फूली वाली। ए तो हम जाएं सीढ़ी पे जाएं। चलिए ज्योति यहाँ पे छाजे साफ कर रही है, तब तक हम जा रहे हैं सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं हम, उधर जितना भी रोल झाल है सब साफते जाते नीचे आएंगे। उसके बाद जब से आए हैं ना तब से ना ये नियत फूल भरी वाले। तो चलिए दोस्तों अभी हम भी ले लिए झाड़ू, अभी गिरे थे जहाँ तक पहले झाड़ू से पहुँच जा रहा है ना झाड़ू हमारा, वहाँ तक पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको डंडे में बांधेंगे। चलिए सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से सीधा रहेगा ना, ऊपर से डायरेक्ट साफ करते करते नीचे आएंगे, नहीं तो कहीं का हो जाएगा, कहीं का छूट जाएगा। देखेगी तो कहेगी यहाँ तो हुआ ही नहीं, अभी आ गए हम सीढ़ी पे।
कल ही नया झाड़ू लेके आए थे इसी के लिए। क्या हुआ ये? अच्छा यही से प्रैंक भी कर रही है। देखिए चिल्लाई अजीब तरीके से, हम भाग के आ गए देखने के लिए कुछ हो गया का। ये पगली पे डर लगा रहा था, बोल रहे थे कि हम चढ़ते हैं तुम नीचे रहो, इतना हम चढ़ेंगे। ये जो थी लगभग हाथ से साफ करने वाला, तो सब साफ कर लिए भाई। ना बहुत ज्यादा नहीं, बस बरामदा में है और पूजा घर में लगा होगा। पूजा घर में कैसे साफ करें? क्या पूजा घर में? छाजवा के अगल बगल में झोल वोल लगा है, तो उससे साफ होगी। तुम जाकर करोगी? चलता नहीं, जितने साफ होगा। हाँ, धोकर डाल दें। ये पर्दा भी धोना है तो इसको भी उतारेंगे अभी थोड़ी देर में। राती के फिर दुआरे पे उतार के गोद देना सुबह दे धोते हैं। अभी देखिए इधर उधर झोल जाल लगा हुआ है, इसको साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने के लिए ना एक डंडा देखे छत पे रखा हुआ, उसी को लेके बांधते हैं। पूजा घर में देख लिए कहाँ कहाँ साफ सफाई करना है। छाजे पे ही लगा हुआ है, छाजे पे ज्योति चढ़ेगी अभी, वहां का कर लेगी, बाकी ज्योति आएगी तभी होगा इसका। चलिए सत्य है, डंडा बांधते हैं। हमारा गमछा गिर गया हवा से। चलिए दोस्तों अभी आ गए छत पे। ये बांस रखे थे देखे थे यहाँ पे, इसी को लेके चलते हैं, इसी में झाड़ू बांधते हैं। इससे हो जाएगा, ये पूरा बांस ना सूखा हुआ है, भारी भी नहीं, एकदम हल्का है। चलिए इसी को लेके चलते हैं, झाड़ू बांधते हैं इसे। ले आ दिए बांस। अच्छा आ गया सब छाजे का कचरा, इसको बाल्टी में डाल दे रहे हैं। उतरे के चाह तर तो उतर जा। साहेब हम उतरे के चाहता नहीं, तो कूद जा ऊपर से, मारो ना जंप मारो ना थोड़ा सा। ज्योति का शकल देखी ना, ऐसा लग रहा है कि हींग बेचने आई है। बालवा में नहीं कहीं लौकत है, लौकत है थोड़ा बहुत, कहीं कि नौ खेत धोए के जरा बाल। लेट होता ज्योति। चलिए अभी ज्योति का एक दुपट्टा निकाले हैं, यूज नहीं करती है, काफी पुराना हो गया, इसी से बांधते हैं इसको। बहुत पुराना हो गया, 5-6 साल पुराना हो गया। अच्छा हाँ 5 साल। देखिए पहुंच जाएगा ये, आराम से पहुंच जा रहा है ज्योति। पंखों भी साफ हो जाएगा इससे। हाँ चलिए दोनों हाथ से साफ कर लेते हैं। क्या करने जा रही हो? कहाँ लगाओगी? उसी रूम में लगाओगी? अभी साफ सफाई करो पहले। ठीक लेके आ रहे हैं,
और अभी दोस्तों क्या है ना कि पूरा इसमें का बरामदे में का सीढ़ी वोढ़ी सब चारों तरफ साफ कर दिए। देखिए कितना क्लीन दिख रहा है अब। और पूजा घर में भी छाजे के ठीक सामने छोड़ के और किचन का भी दोनों साफ कर दिए। छाजे पे ज्योति जा रही है अभी, तो वहाँ पे साफ सुथरा करेगी और जो भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ेगा सबको एडजस्ट करेगी। चलिए अभी कुर्सी मांगिए, उसको कुर्सी लेके चलते हैं उसके लिए। आप क्या करने जा रही हो? और अभी दोस्तों देखिए हम गए थे छाजा पे, छाजा साफ उफ करके कैरेट को अच्छे से एक साइड कर दी। अभी देखिए कितना अच्छा लगने लगा, नहीं तो बिल्कुल कबाड़ा दिख रहा था। दो इधर था, दो उधर था, दो उधर था, ऐसे पूरा भरा हुआ था छाजा। अभी खाली खाली दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ज्योति रखे ना, अब तो दोनों आदमी की चढ़क पड़ी। तो दोस्तों फाइनली अभी सारा घर का साफ सफाई कर दिया हम लोग, और साफ सफाई करने के बाद लास्ट काम एक बच रहा है कि ये पर्दा लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर्दा लग जाएगा ना, काफी अच्छा लगने लगेगा हमारा बेडरूम। काटी देखो। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा छोटे से प्यारा सा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री।